सो हाय गाइज, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो का जो हमारा 51A जो मोबाइल है, आज हम उसकी पूरी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। इस तरीके का आप इसमें कुछ देख रहे होंगे, जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है, 48 MP रियल कैमरा है, अल्ट्रा HD सूटेबल वीडियो है और इसका साइड फिंगरप्रिंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा 6 GB रैम और 128 GB रोम है। तो हम इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखते हैं, ये हमारा वीवो का 51A मोबाइल है, तो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जिसको हम फटाफट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे डिब्बा है और इसके अंदर हमारा ये सेलफोन है। तो सेलफोन को साइड में रख देते हैं इस तरीके से। और इसके बाद ये हमें कुछ मिलता है रेपर, और उसके बाद ये भी हमारा कुछ रेपर है, तो इसको हम रख देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक फिर हमें देख सकते हैं, एक हमारा जो मिला हुआ है ये कवर मिला हुआ है, तो कवर को साइड में रखते हैं। और इसके अंदर हमें एक हेडफोन मिला हुआ है इस तरीके का, तो हेडफोन हमारा कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद एक हमें ये मिलता है डिब्बा, और इसमें हमें ये लीड मिलती है चार्जिंग वाली, और ये हमारा इसमें चार्जर मिलता है। तो चार्जर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा, और ये हमारी जिसमें पिन इंजेक्टर होता है और जिसमें हम इसको सिम डालने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब बात आती है अपने सेलफोन की, तो सेलफोन हमारा कुछ इस तरीके का है, इस तरीके देख सकते हैं इसका लेवल, तो कुछ आपको इस तरीके यहाँ पर दिखने वाला है। और इसको हम डायरेक्ट ओपन करते हैं, तो हमारा ये सेलफोन यहाँ पर इस तरीके का होगा। और डायरेक्ट हम इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने ओपन किया है, तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके का होगा। इसका देख सकते हैं गिलास है, ये गोरिल्ला गिलास भी पीछे लगा हुआ है, तो काफ़ी मजबूत है। अगर इसको कहीं से फेंक दोगे तो कोई फ़ोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसके 3 कैमरा है, एक ये बड़ा कैमरा है जो 48 MP का, बाकी छोटे छोटे जो कैमरे हैं वो आपके 13-13 MP के कैमरे हैं। यहाँ पे अगर इसको ओपन करते हैं तो बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड इसका फिंगर है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइड में ये फिंगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ फिंगर है। और ये इसकी वॉल्यूम की है अप डाउन करने वाली, और यहाँ पे ये इसकी सिम ट्रॉली है जहाँ से ये निकलता है, तो यहाँ पे है। और बाकी इसका गिलास काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लुक हमें भी अच्छा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी इसका बेहतरीन लुक होगा। और बाकी हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, ये देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा और फास्ट चलेगा। अगर इसमें कैमरा रिव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा भी टेस्ट करा देते हैं, कैमरा आखिर किस तरीके की इसकी कैमरा क्वालिटी है। तो कैमरा क्वालिटी हम टेस्ट करा देंगे, तो इस तरीके का देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इसका कैमरा होगा, इस तरीके का देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कैमरा, हमें तो बेहतरीन लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, और बाकी बेहतरीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 18 वाट का आपका फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो 18 वाट का चार्जर है जो आपको आधा घंटे में आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो बिल्कुल फुल कर देता है। तो आधा घंटे के अंदर मोबाइल की बैटरी फुल कर दे, तो 18 वाट का ये फास्ट चार्जर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो भी काफ़ी 10 अल्ट्रा HD यहाँ पर वीडियो बनने वाला है, तो अल्ट्रा HD वीडियो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का होता है, तो अल्ट्रा HD वीडियो यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारा वीवो 51, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा और फर्स्ट लुक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आप परचेज़ करना है तो कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप में गेमिंग यूज करना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेट है, जहाँ से आप गेमिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने गेमिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपका गेमिंग भी अच्छा हो जाएगा अगर आप इसका यूज करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, बाय बाय।